everyone. I am Ayushi and in this video, we are going to talk about internships. What are internships? What are the various types of internships? How can I get an internship as a college student? Application process, preparation. We'll be discussing each and everything in this particular video. And iske ilawa main aise kuch internship openings ke bare mein bhi bataungi jinme aap abhi apply kar sakte ho and aise paid internships ko grab kar sakte ho. So make sure that you watch this video till the very end and before starting please channel ko subscribe kar do and end mein video ko like kar dena. What is an internship? It is basically a trailer for an actual full time job. अब आप कॉलेज से निकल के जॉब ही करोगे तो आप जब जॉब करोगे तो उसका एक टेस्ट या फ्लेवर लेना तो बनता है. उसके लिए हम करते हैं इंटर्नशिप्स. आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो कॉर्पोरेट्स में, स्टार्टअप्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एंड इन सबका एक्सपीरियंस है मुझे. मैंने हर जगह एक इंटर्नशिप करी हुई है एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थिंग. सो मैं ये एक्सपीरियंसेस भी जल्दी ही शेयर करूँगी. नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स. तो हम मेजर डिवीजन ऐसे कर सकते हैं कि एक होगी फुल टाइम इंटर्नशिप और एक होगी हमारी पार्ट टाइम इंटर्नशिप. ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक हो गई हमारी ऑनलाइन जिसको हम रिमोट इंटर्नशिप भी कहते हैं, सेकेंड वाली हो गई ऑफलाइन या फिर जिसको हम इन ऑफिस इंटर्नशिप भी कहते हैं. इसके अलावा बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं हमारे पास जहाँ पर हम जाके इंटर्न कर सकते हैं, बोथ अकेडमिक एज वेल एज नॉन अकेडमिक. अकेडमिक में हमारे पास हो गया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, रिसर्च, टीचिंग, ऐसे प्रोफाइल्स. नॉन अकेडमिक में हमारे पास टेक रोल्स हो गए, नॉन टेक रोल्स हो गए, कॉन्टेंट राइटिंग, एचआर, बहुत सारी प्रोफाइल्स. Now, how to get an internship being a college student? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स के लिए. वीडियो के एंड में हम रिसर्च इंटर्नशिप्स, एजुकेशन इंटर्नशिप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. तो हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है थ्रू द कॉलेज प्लेसमेंट सेल. आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है उसके प्लेसमेंट सेल में आप जाके रजिस्टर करोगे. उसके बाद आपको वो हेल्प करेंगे पूरे इस प्रोसेस में जो भी होता है इंटर्नशिप को पाने के लिए. आपको बस रजिस्टर करना है उनके थ्रू. उसके बाद जो भी उनका प्रोसेस है या तो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, नहीं तो वो एक उनका पोर्टल होता है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो. मेरी ग्रेजुएशन हुई थी श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड वहाँ पर कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के थ्रू मैंने काफ़ी इंटर्नशिप्स करी थी. उनमें से एक थी ग्राफिक डिजाइनिंग में एट डी असासंस जो कि एक मीडिया स्टार्टअप था. एंड इसके अलावा मैंने और कुछ कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स और कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफाइल्स में भी इंटर्न किया था थ्रू द कॉलेज प्लेसमेंट सेल. बट हम हमेशा कॉलेज के प्लेसमेंट सेल पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, बोथ फॉर अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज फॉर प्रिपरेशन. हम अपॉर्चुनिटीज भी खुद से ढूंढ सकते हैं और हम प्रिपरेशन भी खुद से कर सकते हैं. सो रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ रिसोर्स विच इज बाय द नेम स्मोकी क्यूरेशंस. इट इज अ न्यूज लेटर बाय टेक क्यूरेटर्स. It is like completely free to subscribe as of now till they reach around 1000 subscribers. So yeah, you can just go and grab this opportunity. But Ayushi, what is a newsletter and what is this smoky curations all about? थोड़ा तो बताओ. So हम newsletter को ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक report होती है जिसमें हमें news मिल जाती है organization से related एक timely basis पर, जिसमें हमें daily activities पता चलती हैं. एंड ये newsletter एक theme based होता है. उस theme के ऊपर हमें बहुत सारी information मिल जाती है उस एक बस एक लेटर के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसे रिपोर्ट के थ्रू. एंड नाउ स्मोकी क्यूरेशंस इज डिजाइन टू मेक द स्टूडेंट्स प्लेसमेंट रेडी. इट इज मेड फॉर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड न्यूज. यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज मिल जाएगी. इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट न्यूज भी मिलती रहेगी. ये जो न्यूज लेटर ये आपको वीकली मिलेगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं. इसके अलावा यहाँ पर आपको केस स्टडी भी मिलेंगी. केस स्टडी आपकी होंगी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड. एंड ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप अपने केस स्टडी राउंड के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर आप जीडी ग्रुप डिस्कशन के लिए भी प्रिपेयर करोगे. एंड इतना ही नहीं, इस न्यूज लेटर के हर एडिशन में आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बोथ फॉर टेक क्यूरेटर्स एंड ट्रांस क्यूरेटर्स. एंड यहाँ की यूएसपी ये है कि अगर आप न्यूज लेटर के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको चांस मिल सकता है कि आप असेसमेंट राउंड्स, इंटरव्यू राउंड्स, ये सब कुछ स्किप करके इन पेड इंटर्नशिप्स को ग्रैब कर पाओ. इट इज बेसिकली डिजाइन इन सच अ वे कि चाहे आपको प्लेसमेंट सेल का सपोर्ट हो या ना हो, आपकी प्रिपरेशन चलती रहे, आपको गाइडेंस मिलती रहे एंड आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहे इस न्यूज लेटर के थ्रू, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए रेडी हो सको. एंड जब भी आप अपनी जॉब या इंटर्नशिप का सर्च स्टार्ट करो उस टाइम पे आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए, केस स्टडी राउंड्स, इंटरव्यू के लिए, ये जो कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन हो रही है आपकी इस न्यूज लेटर के थ्रू, उसमें आपको हेल्प मिले. तो जो भी लिंक है इस न्यूज लेटर का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. अभी के लिए बिल्कुल फ्री है तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अभी जाके ग्रैब कर सकते हो. एंड नाउ द नेक्स्ट वे टू गेट एन इंटर्नशिप इज थ्रू लिंक्डइन. लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू इंटर्न एट सम स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स. वहां पर उनके लिए तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बाकियों का मैं बाद में बात करती हूँ. हमारे पास यहाँ पे दो मेजर तरीके हैं इंटर्नशिप ढूंढने के या फिर जॉब ढूंढने के. सबसे पहला होता है कि हम जो जॉब वाला सेक्शन है वहाँ चले जाएं, वहाँ पर जाके फिल्टर लगा दें. फिल्टर में आप देख लो आपको कौन सी प्रोफाइल चाहिए, कौन सा लोकेशन चाहिए, किस टाइप की इंटर्नशिप चाहिए, वो सब फिल्टर लगा के आप सर्च कर सकते हो. उसके बाद अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना.
इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी जब भी कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आउट होती है, और फिर आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो. एप्लीकेशन का वही सेम प्रोसेस रहता है, अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आंसर करना है, एंड दैट्स इट. ये हो गया पहला तरीका. एंड सेकेंड तरीका हमारा होता है थ्रू नेटवर्किंग. उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने कनेक्शंस बढ़ाने होते हैं. ऐसा नहीं है कि बस नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ाने हैं, आपको क्या करना है, जो स्पेसिफिकली मैंने भी ट्राई किया है एंड उसके थ्रू मैंने इंटर्नशिप्स यहाँ पे भी लैंड की है लिंक्डइन के थ्रू, डायरेक्ट नेटवर्किंग के थ्रू. इसमें आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में जाना है लिंक्डइन के, उधर जाके आपको जिस प्रोफाइल में आपको इंटर्न करना है आपको वो लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न, और बेसिकली यू कैन राइट डेटा साइंस इंटर्न. इसके बाद आपको काफ़ी सारी प्रोफाइल्स खुल के आ जाएंगे उन लोगों की, जो हो सकता है उन्होंने पास्ट में कहीं इंटर्न किया हो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोफाइल में, या फिर अभी भी कर रहे हो. उनके थ्रू आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और उसके बाद आप पूछ सकते हो कि अगर कोई ओपनिंग है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में आप कुछ अगर डिटेल्स दे सको ऐसा करके. नाउ द नेक्स्ट वे विच हैज रियली वर्क फॉर मी इज थ्रू इंटर्नशाला. इंटर्नशाला ऐसी एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप अगेन इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो. यहाँ पर तो वैरायटी है, पूल है बिल्कुल इंटर्नशिप्स का, तो आप जाकर ढूंढ सकते हो. यहाँ से मैंने काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स करी हैं, सोशल मीडिया एम्बेसडर एंड कैंपस एम्बेसडर, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी प्रोफाइल्स में. इसके अलावा जो मेरी फर्स्ट पेड इंटर्नशिप थी फुल टाइम इन ऑफिस जयपुरिया पर, जयपुरिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऑफिस में, वो भी यहीं से मुझे लैंड हुई थी. इसके अलावा कंटेंट राइटिंग में भी कुछ इंटर्नशिप्स मैंने यहाँ से करी हुई है, तो ये डेफिनेटली वर्क करती है. यहाँ पर जाकर आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होता है, एक प्रोफाइल सेटअप करनी होती है, उसके अंदर आपको अपना हर डिटेल लानी पड़ती है जो भी अभी तक आपने किया है, जितना भी आपके पास है सब कुछ आपको वहाँ पे फिल करना होता है. एक सीवी काइंड ऑफ बन जाता है आपका, उस पर्टिकुलर रेज्यूमे बन जाता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, एंड उसके थ्रू जब भी कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आती है आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो. पहली चीज़ तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में डाली होगी, अपना सीवी जो बनाया होगा वो चला जाएगा. उसके साथ साथ वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से आंसर करना है ताकि आप ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस में रहो कि हाँ आपको सेलेक्ट कर लिया जाए. तो ऐसा होता है हमारा इंटर्नशाला के थ्रू. अब एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा रहता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं सीवी या फिर रिज्यूमे. बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम एक सीवी या एक रिज्यूमे बनाते हैं. जनरली आपको सिर्फ एक पेज का रखना होता है एंड अप टू डेट जो भी आपने अभी तक किया है अपनी अकेडमिक लाइफ में या फिर अपनी कल्चरल एक्टिविटीज जो भी आपने किया है अभी तक, सब कुछ आपको अपने सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे डालने होते हैं एकदम कंसाइज प्रिसाइज वे में. सीवी बन गया, इसके बाद आप जाके अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में करोगे अप्लाई या फिर आप किसी वेबसाइट या पोर्टल पे जाके अप्लाई करोगे. वहाँ पर जाकर आपको अपना सीवी अटैच करना होता है, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं जो कि हो सकता है कहीं पूछे, हो सकता है कहीं ना पूछे, उनको आंसर करना होता है. एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया. इसके बाद आप फर्दर राउंड्स के लिए वेट करोगे, एंड फर्दर राउंड्स हमारे हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी राउंड, टेक्निकल इंटरव्यूज, एचआर इंटरव्यूज, मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं. अभी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और इंटर्नशिप टू इंटर्नशिप कि वो एक कैंडिडेट को किन राउंड्स के बेसिस पे टेस्ट करना चाहते हैं. अब अगर हम बात करें एकेडमिक इंटर्नशिप्स के बारे में, तो एकेडमिक इंटर्नशिप्स में जो आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रोल्स हो गए, टीचिंग के जॉब्स हो गए, उन केसेस में आपका सब कुछ सेम रहता है जितना भी मैंने अभी तक बताया. लेकिन रिसर्च इंटर्नशिप्स के केस में हमारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. रिसर्च इंटर्नशिप ग्रैब करने के लिए हमारे पास मेजरली दो तरीके होते हैं. पहला होता है कि हमें खुद जाके प्रोफेसर्स के अंडर अप्लाई करना है. रिसर्च जो करते हैं ना, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो कि रेगुलर रिसर्च कर रहे होते हैं. हमें उनके अंडर जाके अप्लाई करना होता है. डायरेक्टली हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं जिस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अच्छे से ईमेल ड्राफ्ट करके, एंड वहाँ पे हम उसके साथ साथ अपना आइडिया भी बता सकते हैं कि हमें किस चीज़ के अंडर रिसर्च करनी है या फिर हम क्यों इंटरेस्टेड है आपके अंडर रिसर्च करने में. एंड ये थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए जो प्रोफेसर रिसर्च कर रहा है ना, जिस टॉपिक पे उससे रिलेटेड होना चाहिए. सेकेंड तरीका हमारे पास होता है कि जो हम डायरेक्टली जाके कुछ वेबसाइट्स या पोर्टल्स पे अप्लाई करें, जहाँ पर ना क्या होता है प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आए हुए होते हैं जिनको बस स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है कि हाँ स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो पाए. अब इस केस में जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसके लिए हमें एक सीवी चाहिए होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है, एंड साथ साथ में हमारा प्रोजेक्ट का आइडिया चाहिए होता है अगर हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर्स के थ्रू. एंड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ वेबसाइट्स पोर्टल्स कुछ प्रोग्राम्स में, तो उस केस में हमें अपने स्कोर्स अच्छे रखने होते हैं. एंड इसके अलावा हमारे पास एक अच्छा डिटेल आंसर होना चाहिए कि हम क्यों काम करना चाहते हैं. अब मैं ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में भी बता देती हूँ जिनमें आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हो. पहला है बाय इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज,
इस प्रोग्राम का नाम है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम एंड दूसरा हमारे पास है CSIR के थ्रू करवाया जाने वाला SRTP यानी कि समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये याद रखो कि ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए मुझे इतना अपॉर्चुनिटीज का भी आइडिया नहीं है फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स। उनके लिए आई गेस जो प्रोफेसर्स के लिए डायरेक्टली अप्लाई करने वाला चीज़ होता है अब वो कर सकते हो, नहीं तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो इस पर्टिकुलर डोमेन में जो कि मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप करनी हो यानी कि गवर्नमेंट के अंडर एक इंटर्नशिप करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपल गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी नोटिफिकेशंस आउट होती रहती है टाइम टू टाइम एंड बस हमें पता होने की जरूरत होती है कि कब कोई इंटर्नशिप आउट हो रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर करवाई जा रही है एंड बस हम फिर अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। So yeah, this was all about today's video. I hope that you found this video really helpful. If you did, please एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर आईडी। इफ एनीबडी ऑफ यू वांट्स टू गेट अ वन ऑन वन कॉल विद मी देन जो लिंक है फॉर्म का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय।